ट्वेल्थ का जो सब्जेक्ट है हिंदी, फाइनल एग्जाम 2021 के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट कवि पर्चे मैं इस वीडियो में लाया हूँ। तो कवि पर्चे मैं किस ट्रिक से बताऊँगा कि इस बार कौन सा आने वाला है, तो इस वीडियो को आपको लास्ट तक देखना पड़ेगा। तो मैं जो चार यहाँ पर बताऊँगा उन चारों में से ही आपका यहाँ पर एक कवि पर्चे 2021 के एग्जाम में देखने को मिल जाएगा। दोस्तों अगर आपको कवि पर्चे याद नहीं होते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हो, उसके लिए मैं एक नेक्स्ट वीडियो लाऊंगा। तो यहाँ पर मैं क्लास ट्वेल्थ के लिए जो 2021 में दोस्तों बोर्ड एग्जाम होने जा रहा है 2021 का, उसके लिए यहाँ पर 2021 में कौन सा कवि पर्चे आने के चांसेस हैं, तो इस वीडियो में आपको बताऊँगा कि कैसे, मैं ट्रिक के हिसाब से बताऊँगा कि आपको ये वाला 2021 में आने वाला है। दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो में। दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता ही होगा कि आपके एग्जाम अभी ज़्यादा से ज़्यादा 4 से 6 महीने बचे हैं, उसमें आपको तैयारी करना है, जिसका दो मंथ तो आपको 1 महीने लास्ट का रिवीजन का रहता है, जो आपके पास टाइम अभी कम बचा है, ठीक है। तो यहाँ पर अभी आपको कवि पर्चे एक सिलेक्ट जो मैं बताऊँगा आपको वाला कवि पर्चा आ जाएगा, लेकिन आपको कुछ रिस्क ना लेना चाहिए, इसके लिए आपको 4 ऐप जो मैंने बताए हैं इसमें तो वो तो आपको करना ही करना है। तो चलिए पहले स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर तुलसीदास का देख लीजिएगा, तुलसीदास का यहाँ पर दोस्तों 2020 में आया, 17 में आया, 14 में आया, ठीक है। तो इस बार आने के चांसेस हैं, ठीक है। इस बार देखो यहाँ पर अभी मैं बात करता हूँ कि जयशंकर प्रसाद, आपको इस वीडियो को लास्ट तक देखना पड़ेगा, जयशंकर, ठीक है, ठीक है। जयशंकर प्रसाद का जो है दोस्तों आपको मैं बता दूं, ये अभी क्या 2020 में भी आया था और 19 में भी आया था, तो 2021 में आने के इसके चांसेस नहीं है दोस्तों, ठीक है। और बात करते हैं तुलसीदास जी का, तो तुलसीदास जी का यहाँ पर 2020 में आया था और ये हो सकता है इस बार रिपीट भी हो जाए, तो चांसेस हैं इसके आने के। तो इस वजह से आपको तुलसीदास का तो करना ही करना पड़ेगा, जैसे कि जयशंकर प्रसाद का रिपीट हुआ तो 2019 में भी आया था और 20 में भी आया था, तो तुलसीदास का जी यहाँ पर 20 में आया तो हो सकता है इस बार रिपीट कर सकें, ठीक है। तो 14-17 में तो ऑलरेडी आ चुका है, ठीक है। अब बात करते हैं सूरदास जी का, सूरदास जी का दोस्तों देख सकते हैं यहां पर 2018 में आया था, इसके बाद 15 में आया था, 13 में आया था, माने कि दो साल का यहां पर 2-3 साल का गैप है, ठीक है। और यहां से देख सकते हैं 19 में नहीं आया, 20 में नहीं आया, तो यहाँ पर 21 में आने के इसके चांसेस हैं सबसे ज़्यादा सूरदास जी के। ये सूरदास जी का 2021 के एग्जाम में आपको देखने का मिलेगा 100%, यहाँ पर लिख लीजिएगा सूरदास का यहाँ पर 2021 के एग्जाम में ये सूरदास का आ रहा है। तो कवि पर्चा सूरदास का आ रहा है, ये आप कन्फर्म है, अच्छी तरीके से याद कर लेना, लेकिन जो रिस्क आप ना लो, ये 4 वेरी वेरी IMP हैं, इन चारों को तो करना ही करना है आपको, लेकिन सूरदास का यहाँ पर कन्फर्म लग रहा है कि इस बार आने के चांसेस हैं। इसके बाद नेक्स्ट है मैथी शरण गुप्त, दोस्तों मैथी शरण गुप्त भी 2019 में और पहले 12 में आया था, 12 के बाद 2019 में आया था, इसके बाद अभी तक जो 2020 में नहीं आया, लेकिन 21 में इसके भी आने के चांसेस हैं दोस्तों। इसके बाद नेक्स्ट आपको करना है कबीरदास जी का, जो कबीरदास जी का कवि पर्चे, ये भी आने के इस बार चांसेस है। तो ये चारों आपको कवि पर्चे अच्छी तरीके से याद करना होगा, और दोस्तों ये कवि पर्चे आपको अच्छी तरीके से याद करना ही करना है, ठीक है। और दोस्तों जयशंकर प्रसाद का यहाँ पर मैंने पहले ही बता दिया कि 2019-20 में आया है, तो इस बार आने के चांसेस जयशंकर प्रसाद के तो है ही नहीं, ठीक है। इसके बाद मैथी शरण गुप्त 2019 में आया था और तुलसीदास यहाँ पर 2020 में आया था। तो ये चार कवि पर्चे वेरी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं 2021 के एग्जाम को लेकर, तो इन चारों कवि पर्चे को आपको एक अच्छी तरीके से याद करना है, और इनके किस तरीके से याद करना है तो आपको यहाँ पर दो क्या लिखना होता है, आपके दो रचनाएं लिखना होती है, जैसे कि यहाँ पर मैंने सूरदास जी की रचनाएं बताई हैं, दो रचनाएं मतलब सूर सागर, सूर सूरा वाली साहित्य लहरी हो जाएंगी, तो आपको दो रचनाएं अच्छी तरीके से याद रखना है। दो रचनाएं आप याद ना रखो तो दोस्तों दो आपको याद नहीं करना है, दो याद करोगे तो आपको एग्जाम में ध्यान नहीं रहेगी, आपको जैसे कि 3 से 4 याद कर लें, जैसे कि मैंने यहाँ पर 2-3 बताई हैं, सूर सागर, सूर सूरा वाली साहित्य लहरी, तो मैं ये याद करने की ट्रिक नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा किस प्रकार से आप याद रख सकते हो। इसके बाद तुलसीदास की देखते हैं, तुलसीदास की तो श्री रामचरितमानस है, सभी को पता है सबसे ज़्यादा फेमस है श्री रामचरितमानस, इसके बाद दोहा वाली कवितावली, विनय पत्र का, ये भी बहुत ज्यादा फेमस है, इसलिए आपको ये तुलसीदास जी के जो चारों हैं चारों आपको ध्यान रखना है कि दोहावली आप दोहा बोलते हो जैसे ही पढ़ते हो, कवितावली आप कविता वैसे ही आप पढ़ते हो, तो इसके लिए आपको ऐसे माइंड सेट करना है कि आपको ये अच्छी तरीके से याद हो जाए। श्री रामचरितमानस तो आपको ये याद ही रहेगा, ठीक है। दोहावली तो दोहा को आप ऐसे रिलेट कर सकते हो कि हम दोहा पढ़ते हैं, तो उस वजह से ये किसका हो जाएगा, तुलसीदास जी का, क्योंकि तुलसीदास का क्यों होगा, क्योंकि रामचरितमानस पढ़ते हैं तो उसमें क्या सबसे ज्यादा दोहा ही रहते हैं, हम दोहा ही पढ़ते हैं, ठीक है, रामचरितमानस, तो आप इस प्रकार से दोहा
पढ़ सकते हो, ठीक है। इसके बाद दोहा, अगर दोहा के बाद आती है दोस्तों कविता वाली, तो दोस्तों आप जो रामचरितमानस पढ़ते हैं उसे हम किस प्रकार से गा के पढ़ते हैं, तो गा के पढ़ते हैं तो इससे आप ध्यान रखेंगे कि कविता वाली भी कैसा हो जाएगा। हम गा के पढ़ते हैं तो जिस चीज़ को गा के पढ़ते हैं तो उसमें क्या आ जाएगी, कविता वाली आ जाएगी, तो क्या हो जाएगा, किसने लिखी होगी, तुलसीदास ने, क्योंकि तुलसीदास ने क्या लिखा था, रामचरितमानस को जो रामायण है उसे हम क्या करते हैं, गा के पढ़ते हैं। तो इस प्रकार से आप इन्हें ध्यान रखना। मैं इसकी पर्टिकुलर एक वीडियो लाऊंगा नेक्स्ट वीडियो, उसमें आपको ये इसी तरीके से बताऊंगा कि आपको आखिरकार इन चीज़ों को याद रखना कैसे है। तो आपको नहीं अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें, ताकि जब भी हम वीडियो डालें उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच पाए दोस्तों। इसी तरीके से मैं ट्रिक से आपको बताऊंगा। और यहाँ पर मैथिशरण गुप्त बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर रचना है, दो रचनाएँ आपको लिखना है एग्जाम में। यहाँ पर मैंने आपको पाँच रचनाएँ बताई हैं, तो पाँच रचनाएँ में आपको कौन सी है, साकेत है, पंचवटी है, जयद्रथ वध है, जय भारत और चंद्रहास। तो ये पांच रचनाएं हैं, पांच रचना में आपको तीन से चार तो अच्छी से तरीके से याद कर लेना, क्योंकि एग्जाम में अगर आप यहीं से दो याद करके जाएंगे तो एग्जाम में आपको ये एक मुश्किल से याद रहेगी। तो ये तो हर स्टूडेंट के साथ होता ही होता है, ठीक है दोस्तों। इसके बाद कबीरदास जी की बात करते हैं दोस्तों। कबीरदास की दो रचना है, देखिए यहाँ पर कबीरदास जी की जो दो रचना है, यहाँ पर कबीर लिखा है, ठीक है, ये कबीर लिखा है, यहाँ पर मिसप्रिंट हो गया, ठीक है। कबीर की प्रमाणिक उपलब्ध क्या है दोस्तों, ये भी गलत है, कृति, ठीक है, क्या है, कृति। उपलब्धि कौन सी है, उपलब्ध कृति ही, कृति बीजक है, ठीक है, कृति बीजक। इसके साखी सवद रमेनी तीन भाग है। तो ये चार कवि परिचय आपको अच्छी तरीके से याद करना है, बोर्ड एग्जाम 2021 के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, तो इन्हें आप अच्छी तरीके से याद कर लें। अगर अब भी आपको कुछ भी डाउट है, समझ में नहीं आ रहा है, तो कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं, और इसकी लिंक मिल जाएगी आपको डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। यहाँ पर आपको तुलसीदास, सूरदास, मैथिशरण, कबीरदास के सारे जो ट्रिक से आप याद कर सकते हैं, मैं यहाँ पर नीचे मेंशन कर दूंगा, तो आप अच्छी तरीके से इसे याद कर रख सकते हैं। तो उसके लिए नेक्स्ट वीडियो आएगी, आपको उसका इंतजार करना पड़ेगा, और लेखक परिचय की मैं भी नेक्स्ट वीडियो ला रहा हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद दोस्तों।